आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में अगले 3 दिन व्यापक रूप से कहीं बारिश तो कहीं छिटपुट बारिश होगी। अधिकतर कपास उत्पादक क्षेत्र में हुई भारी बारिश खेतों को अतिरिक्त पानी खोजने में मददगार होगी। वही बता दें, ये फसल के लिए अच्छा है। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख कॉटन उत्पादक राज्य में मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बुआई की गतिविधियां पिछले साल की तुलना में बेहतर हुई है। 15 जुलाई तक देश भर में कपास की बुआई 102.8 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। कपास की बुआई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.4% और पिछले 5 साल की समान अवधि की समान क्षेत्रफल के औसतम से 20.5% ज्यादा है। इस साल 126 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की उम्मीद जताई गई है। चूंकि पिछले 2 साल से किसानों को कपास में अच्छा पैसा मिल रहा है, इसलिए किसान इसकी खेती पर जोर दे रहे हैं। वहीं कहां बारिश की संभावनाएं ज्यादा है वो मैं आपको बता दूं। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 26, 27 और 28 जुलाई को हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं विदर्भ में 26 और 27 जुलाई को बहुत जगहों पर भारी बारिश और 28 को हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं तेलंगाना में 26 को अधिकांश जगहों पर भारी बारिश है। वहीं 27 को बहुत जगहों पर भारी बारिश और 28 को हल्की बारिश का अनुमान है। गुजरात रीजन में 26 जुलाई यानी आज बहुत जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है और 27 व 28 को हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ में 26, 27 और 28 जुलाई को हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 26 जुलाई को बहुत जगहों पर भारी बारिश और 27 व 28 को हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। कर्नाटक में आज अधिकांश जगहों पर भारी बारिश है। वहीं 27 और 28 को बहुत जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में आज और 27 और 28 यानी 26, 27 और 28 जुलाई को बहुत जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 1 जून से 24 जुलाई के दौरान सामान्य से 11% ज्यादा दर्ज किया गया है। देश भर में सामान्य 380.3 मिलीमीटर के मुकाबले 422.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बता दें कि 564.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो कि सामान्य 664.3 मिलीमीटर से 15% कम थी। उत्तर पश्चिमी भारत में 233 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो कि सामान्य 234.5 मिलीमीटर की तुलना में 1% कम दर्ज की गई है। मध्य भारत में 527.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो कि सामान्य 414.9 मिलीमीटर से 27% ज्यादा है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में 421.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो कि सामान्य से 318.9 मिलीमीटर से 32% ज्यादा है। बारिश की सबसे ज्यादा कमी वाले क्षेत्र में पूर्वी एवं पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ, कोंकण एवं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल है। जबकि बारिश की कमी वाले क्षेत्र में गंगेटिक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी शामिल हैं। इनमें किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक किसानों को उन क्षेत्रों में फसल को नुकसान से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है, जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश जल भराव का कारण बन रही है। हाल के हफ्ते में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में भारी से व्यापक रूप से भारी बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की सलाह दी गई है, क्योंकि जल भराव से फसल खराब हो सकती है। वहीं गुजरात में किसानों को फिलहाल सभी कृषि गतिविधियों में देरी करनी चाहिए और नुकसान से बचने के लिए बोई गई फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी को निकालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।